हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं अमित पाल आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीखेंगे धड़कन मूवी का सॉन्ग दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। तो इस सॉन्ग को इसकी ओरिजिनल स्केल में सीखेंगे। जो इसकी ओरिजिनल स्केल है वो है जी शार्प माइनर। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से स्वर यूज होंगे। सा शुद्ध रे, कोमल गा, मा पा कोमल धा, और ये कोमलनी और यतार सप्तक का सा। और मंद्र सप्तक में कोमलनी कोमल धा और ये पा, और शुद्धनी और शुद्ध धा भी यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रो म्यूजिक से। तो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रो म्यूजिक से, जो फ्लूट से है। इस तरह से। तो इसे देखते हैं किस तरह से प्ले होगा। पा सा रे गा और ये शुद्धनी, इतने स्वरों में प्ले हुआ है। इस तरह से। फिर इसके बाद में दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, इसे देखते हैं। और फिर इसके बाद में स्ट्रिंग से। तो इतने से पार्ट को देखते हैं किस तरह से प्ले होगा। फिर इसके बाद में स्ट्रिंग्स है। फिर इसके बाद में मुखड़ा स्टार्ट होता है, यही दिल ने कहा है दिल से। फिर इसके बाद में मेरी जान मेरी दिलबर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो, इसे देखते हैं। इसे देखते हैं किस तरह से प्ले होगा। फिर इसके बाद में मेरी जान मेरी दिलबर मेरा एतबार कर लो। बीच में एक फिलर पार्ट है मेरी जान मेरी दिलबर के बाद में। फिर
जितना बेकरार हूँ मैं। दूसरी बार में चेंज है, गा से सीधा जाएंगे यहाँ पर कोमल धा पर। यही सेम लाइन दोबारा फिर प्ले होती है, सिंगर ने फिर यही लाइन गाई है। और फिर इसके बाद में दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। फिर इसके बाद में म्यूजिक, फिर इसके बाद में अंतरा। और फिर इसके बाद में गिटार से फिलर पार्ट है। इसे देखते हैं किस तरह से प्ले होगा। इसके बाद में स्ट्रिंग से और फिर इसके बाद में अंतरा स्टार्ट होगी। तुम जो कह दो तो चंद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। फिर ये इस सेम लाइन प्ले होगी, तो इसे स्लो मोशन में देख लेते हैं। यही सेम लाइन प्ले होगी, तो सेम लाइन प्ले होगी तो यहाँ पर ठहराव होगा, फिर इसके बाद में प्ले होगी यही सेम लाइन। और फिर आगे की लाइन फीमेल सिंगर से है। कैसा मंजर है मेरी आंखों में, कैसा एहसास है, पास दरिया है दूर सहरा है, फिर भी क्यों प्यास है। तो सेम इसी तरह से प्ले होगी जैसे हमने अभी प्ले किया अंतरा, सेम उसी तरह से बोल अलग है खाली मेलोडी सेम है। तो इसे भी देख लेते हैं स्लो मोशन में। फिर इसके बाद में कदमों में ये जहाँ रख दूँ, मुझसे आंखें चार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो।
इस तरह से। और फिर इसके बाद में दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। फिर इसके बाद में आगे का म्यूजिक और फिर आगे की लास्ट अंतरा। अब यहाँ से आलाप स्टार्ट होगा। इस आलाप को देखते हैं किस तरह से। फिर इसके बाद में गिटार से इस तरह से। तो इसे देखते हैं किस तरह से प्ले होगा। फिर आगे की जो लास्ट अंतरा है, मेरी यादों में मेरी ख्वाबों में रोज आते हो तुम, इस तरह भला मेरी जा मुझे क्यों सताते हो तुम। तो सेम उसी तरह से प्ले होगी जैसे हमने इसके पहले अंतरा प्ले की, कोई चेंजेस नहीं है, वही स्वर यूज होंगे, खाली मेलोडी अलग है। तो इसे मैं एक बार स्लो मोशन में फिर से बता दे रहा हूँ। और फिर पास से स्टार्ट होगा सेम यही लाइन। और फिर इसके बाद में तेरी बाहों से तेरी राहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये वादा है ये इरादा है, लौट आऊंगा मैं दुनिया से तुझे चुरा लूं, थोड़ा इंतज़ार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। तो इसे देखते हैं, तेरी बाहों में तेरी राहों से यूं न जाऊँगा मैं। ये इरादा है ये वादा है, लौट आऊँगा मैं। दुनिया से तुझे चुरा लूं। थोड़ा इंतजार कर लो। जितना बेकरार हूं मैं खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दोस्तों इस तरह से आप अपने कीबोर्ड या हारमोनियम पर आसानी से इस गाने को प्ले कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा।
पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें, कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें कि वीडियो कैसी रही। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।